आधार कार्ड की जरूरत को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब पेंशनरों को डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार कार्ड को किया ऑप्शनल। पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। एमपी के सहकारी मंत्री अरविंदर भदौरिया ने संस्कृत भाषा की उपेक्षा लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। बोले, पूर्व सीएम ने नेहरू की वजह से संस्कृत नहीं है अनिवार्य भाषा। मध्य प्रदेश के भिंड के गोहद में दिग्विजय सिंह का सिंधिया पर तंज। कांग्रेस में महाराज थे, बीजेपी में जाकर बन गए भाई साहब। एटीएस का खुलासा, सुपर कॉम बनना चाहते थे सचिन वझे। हिरने की हत्या का दिया था ऑर्डर, बुकी और पुलिस कर्मी गिरफ्तार। वझे फिलहाल एनआईए की हिरासत में। औरंगाबाद में जिस्म फरोशी के आरोप में आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार। नाबालिग को ट्रेनिंग के नाम पर ले जाती थी आशा गांव से बाहर। लड़की के गर्भवती होने पर अस्पताल में कराया था भर्ती, तब हुआ मामले का खुलासा। हिंदू युवा वाहिनी ने 50 मंदिरों के बाहर टांगे बैनर। बैनर में लिखा, यह तीर्थ स्थल एक पवित्र स्थान, यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। फटी जींस के बाद उत्तराखंड सीएम ने अब बच्चे पैदा करने पर दिया बयान। बोले, दो बच्चे पैदा किए इसीलिए मिला कम राशन, 20 किए होते तो मिलता फायदा। कर्नाटक में भी सीएम बदलने की मांग। भाजपा विधायक बोले, ये येदियुरप्पा के साथ नहीं जीत सकते अगला चुनाव, पार्टी को बचाने के लिए चुनना होगा नया मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में एंटिलिया सचिन वांझे केस से राजनीति उथल पुथल। राष्ट्रपति शासन की साजिश पर संजय राउत ने कहा, कोशिश की तो आग से जल जाओगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का टारगेट 100 करोड़ था, तो बाकी मंत्रियों का कितना रहा होगा टारगेट।